Good morning, students. In the last topic, we have studied about the resolution of a vector in a plane. Now we will resolve the vector in a space. कि पिछले टॉपिक में हमने क्या करा था, उसको किसी भी वेक्टर को हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करा था. अब हमने किसी भी वेक्टर को तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, दैट इज x, y एंड z. तो मान लो कि हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं ओ पी वेक्टर से, दिस इज एनी वेक्टर ओ पी वेक्टर जिसको हमने डिनोट कर दिया ए वेक्टर, कि जो ओ पी वेक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय द ए वेक्टर. अब ए वेक्टर को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस रिजॉल्व करना है. तो इसके लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ओ पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ड्रॉ कर दूंगा और उस ओ को ही ओरिजिन लेते हुए एक पैरेलो पाइप्ड शेप्ड की मैं डायग्राम को यहां पे बना रहा हूं. दिस इज एनी पैरेलो पाइप्ड शेप्ड ज्योमेट्री. और यहां पर जो हमारे पास ओ पी वैक्टर जो है, दैट इज ए वैक्टर that we have to resolve in the three components along x-axis, along y-axis and along z-axis. मान लो कि जो given vector A vector है, that is OP vector जो है, वो x-axis के साथ alpha angle बना रहा है, A vector y-axis के साथ beta angle बना रहा है और z-axis के साथ gamma angle बना रहा है. तो alpha, beta and gamma be the angle made by a vector with x-axis, y-axis and z-axis. So we can write over here ki alpha, beta and gamma be the angle between a vector with x-axis, y axis एंड z axis. कि z axis के साथ ये हमारे पास एंगल बना रहा हुआ है. अब यहां पर हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करनी है. सबसे पहले ओ टी पी, यहां पर देखो हमने पैरेललोग्राम यहां से यहां तक हमने एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी, दैट इज ओ टी. यहां पर जो ओ पी है that lies in the xy plane और जो ओ टी है that belongs to xz plane. फिर ध्यान से देखो, ओ पी एक्स वाई एक्सिस के अंदर आ रहा है और ओ टी जो है वो एक्स जेड एक्सिस के, यानी कि एक्स जेड प्लेन के अंदर हमारे पास कंसिडर हो रहा है. तो हमारे पास दो प्लेन आ गए, एक्स वाई एंड एक्स जेड. यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा. देखो, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, ए एक्स वेक्टर, ए जेड वेक्टर और ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट. अब उसी तरह से यहां पर आप चेक करोगे, दिस इज ए एक्स वेक्टर, दिस इज ए वाई वेक्टर और ये ए वेक्टर उसका रेजोल्यूशन आ गया, दैट इज कंपोजिशन आ गया, दैट इज ए. अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ओ टी पी. तो ट्राइंगल ओ टी पी में आप चेक करो, जो साइड ओ पी है दैट इज द रिजल्टेंट साइड. ओ टी और टी पी जो है वो सेम ऑर्डर में हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं. तो वी कैन राइट इट एज ओ पी वैक्टर. ट्राइंगल लॉ अगर हम लगाते हैं तो ओ पी वैक्टर यहां पर रिजल्टेंट वैक्टर है, दैट इज इक्वल टू ओ टी वैक्टर प्लस टी पी वैक्टर. से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम पैरेललोग्राम देखेंगे ओ क्यू आर टी को. इन पैरेललोग्राम ओ क्यू आर टी, देखो ओ क्यू एंड आर टी, इस पैरेललोग्राम को आप चेक करो. तो यहां पर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है. तो यहां पर जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ओ टी वेक्टर. डायगोनल इज इक्वल टू
adjacent side of parallelogram, that is OR vector plus OQ vector. तो ओ टी की जो वैल्यू है दैट इज ओ आर प्लस ओ क्यू वैक्टर से दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. तो इक्वेशन नंबर टू को आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो क्योंकि हमने यहां पर ओ टी की वैल्यू को कैलकुलेट करा है. तो इक्वेशन वन को आप क्या लिखोगे, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ टी वैक्टर दैट इज ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर प्लस टी पी वेक्टर. अब देखो ओ आर वेक्टर जो है दैट इज ओ आर वेक्टर हमारे पास ए जेड के बराबर है. ओ क्यू वेक्टर जो है दैट इज ए एक्स के इक्विवेलेंट से दिस इज ए एक्स. और टी P जो वेक्टर है दैट इज इक्वलेंट टू ए वाई वैक्टर. तो इसको मैं यहां पर लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू ओ आर को हम लिख देंगे दैट इज ए जेड वैक्टर प्लस ओ क्यू इज ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर और ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ गया हमारे ओ पी वेक्टर यानी के ए वेक्टर. तो ए वेक्टर इज कंपोज्ड बाय थ्री वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड. अगर हम ए वेक्टर को जोड़ें ए वेक्टर को हमने फॉर्म करवाना है तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड या अगर हमने ए वेक्टर को थ्री कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो उसके कंपोनेंट्स क्या जाएंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड. और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ऑर्थोगोनल वेक्टर आपने पढ़ा था हमने पीछे भी करा था कि ए एक्स वैक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस प्लस मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस इंटू डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस. तो ये हमारे पास कोई एक वैक्टर थ्री कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया. अब अगर हम यहां पर ए वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सिंपली टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए एक्स तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम यहां पर डी कोसाइंस को कैलकुलेट करेंगे. डी कोसाइंस मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है. डी कोसाइन यानी कि डायरेक्शनल कोसाइन. तो सबसे पहले हमने कॉस अल्फा को कैलकुलेट करना है. तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहां पर आप चेक कर लो अल्फा ट्रायंगल ये आ जाएगी हमारे पास तो इट इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए. दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस हमारे पास आ जाएगा ए एक्स और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा ए. तो ए एक्स अपॉन में ए और यहां पर ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी ए कॉस थीटा सॉरी कॉस अल्फा. उसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए दैट इज ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ बीटा. और सिमिलरली कॉस ऑफ गामा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ए जेड अपॉन में ए दैट इज ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ गामा. ये हमारे पास
वैल्यूज यहां पर डी कोसाइंस की कंसीडर कर ली। अब टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कि अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि इसको कंसीडर कर लो, आर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। आर ले लो, ए ले लो, या चलो इसको एज इट इज ही चलने दो, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नाउ ओपी स्केयर इज इक्वल टू ओटी स्केयर प्लस टीपी स्केयर, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओटी की जो वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल टू ओक्यू स्केयर प्लस ओटी क्यू टी स्केयर, नॉट ओटी स्केयर बट क्यू टी स्केयर प्लस टीपी का स्केयर। तो ओ क्यू की जो वैल्यू है दैट इज ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर प्लस ए जेड का स्केयर, दैट इज ओ पी हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर। और ए की जो वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड का स्केयर। तो यहां से हम अगर किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं थ्री कंपोनेंट के अंदर, तो एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जेड कंपोनेंट का स्केयर। थैंक यू। नाउ वी विल कंसीडर सम एग्जांपल रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें एक फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे कि इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट, कि किसी भी लॉन रोलर को जो घास काटने वाली जो मशीन होती है उसको पुल करना इजी होता है, जबकि पुश करना आगे की तरफ धक्का देना उसको टफ होता है। कि जब आप किसी भी घास काटने वाली मशीन को अपनी तरफ खींचते हो जब वो घास नहीं काट रही तो वो इजियर होता है, जब आप उसको आगे की तरफ धक्का देते हो तो वहां पर हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू अवर डेली लाइफ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो फिजिक्स में हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं है। जो 11th का जो पूरा का पूरा फिजिक्स है दैट इज रिलेटेड विद द डेली लाइफ। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ये देखेंगे कि व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ पुल, इन केस ऑफ पुल, कि अगर हम लॉन रोलर को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं, तो वो इजियर क्यों होगा? कि मान लो ये हम लॉन रोलर को कंसीडर कर रहे हैं, उसका एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं विच इज इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। अब मान लो एक एक्सिस मैं अपनी तरफ से अजम्प्ट कर रहा हूं जो ओ पॉइंट से होते हुए क्रॉस कर रही है, और इसको मैं ग्राउंड कंसीडर कर रहा हूं। जो डॉटेड लाइन है उसको मैं एक तरह से ग्राउंड कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर हमने फोर्स को अप्लाई करना है ओ पॉइंट के ऊपर, और ये जो मैंने स्फेरिकल बॉडी बनाई है से दिस इज एनी लॉन रोलर। तो जब आप इसको पुल करोगे, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, तो अपनी अजम्पशन के लिए ओ को मैंने ओरिजिन माना है, तो यहां पर मैं वाई एक्सिस भी कंसीडर कर लेता हूं जो ओ पॉइंट से ही मूव यहां से जा रही है। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा देते हैं लॉन रोलर को, अपनी तरफ जब खींचेंगे तो ग्राउंड के साथ उस फोर्स का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप किसी ट्रॉली बैग को खींचते हो अपनी तरफ तो जो ट्रॉली बैग है वो ग्राउंड के साथ सर्टेन एंगल बनाता है, कि जैसे आप इस ये ग्राउंड है और ये ट्रॉली बैग है, इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो इस तरह से स्लाइड होता हुआ जाएगा, यानी कि ग्राउंड के साथ उसका सर्टेन एंगल होगा। तो यहां पर जब हम फोर्स लगाते हैं लॉन रोलर पर, मान लो एफ बी द अप्लाइड फोर्स, तो वो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है,
फिर ध्यान से समझ लो कि जो मैं फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं वो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी कि थीटा एंगल पर मैं उसको खींच रहा हूं अपनी तरफ। अब यहां पर हमने देखना है कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले आपको याद होगा वेट ऑफ द लॉन रोलर, जो वेट है दैट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट करोगे तो सबसे पहली फोर्स बॉडी का वेट होगी, और वेट ऑफ द बॉडी जो होता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगेगा। तो यहां पर लॉन रोलर का जो वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज डिनोटेड बाय mg, दिस इज वेट ऑफ द लॉन रोलर। अब F को रिजॉल्व कर दो, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लॉन रोलर को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो दो काम करेगी। फर्स्ट देखो, इस एक्सिस के साथ फोर्स थीटा एंगल बना रही है, तो इस साइड जो हमारा कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F cos थीटा। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो उसके एरो हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है तो ओ से लेकर इस पॉइंट तक ज्वाइन करवा दो। तो दिस गिव द लेंथ ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी बात आपको यह बताई थी कि गिवन वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उस साइड आप कॉस थीटा का कंपोनेंट लोगे, तो इस तरफ आपका एफ कॉस थीटा आ गया, और एफ कॉस थीटा के 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। तो हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, एफ कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है और इसके 90 डिग्री पर एफ साइन थीटा अपवर्ड लग रहा है। तो हम यहां पर ये लिख देंगे कि नाउ देयर आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, आर नाउ टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी आर, फर्स्ट फोर्स जो है दैट इज वेट ऑफ लॉन रोलर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि जो लॉन रोलर का वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा फोर्स विच एक्ट एट थीटा एंगल विद ग्राउंड, अब हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे एफ कॉस थीटा बाय रिजॉल्विंग द फोर्स, बाय रिजॉल्विंग द फोर्स। पहला कंपोनेंट हमारे पास आ गया एफ कॉस थीटा, जो एफ कॉस थीटा है वो लग रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इस कंपोनेंट के कारण जो लॉन रोलर है वो मेरी तरफ आएगा। जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो दो काम कर रही है, फर्स्ट है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा जो है वो क्या कर रही है लॉन रोलर को ऑब्जर्वर यानी कि मेरे पास फोर्स ला रही है, उसको मेरे पास ला रही है। तो एफ कॉस थीटा पुल द लॉन रोलर, जो पुलिंग हो रही है लॉन रोलर की वो हो रही है एफ कॉस थीटा के कारण, और जो एफ साइन थीटा है वो वेट के अपोजिट लग रहा है। तो वेट के अगर अपोजिट लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट रिड्यूस होगा। एक तरह से आप एक एग्जांपल लेके इसको समझो कि मान लो कि कोई बच्चा जो है वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है, और उसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगा देता हूं, तो उसका वेट जो है वेइंग मशीन पे कम हो जाएगा। अगर मैं उसको नीचे की तरफ प्रेस करता हूं तो उसका जो वेट है वेइंग मशीन पे वो ज्यादा आएगा। तो यहां पर भी वही हो रहा है
कि जो मैं फोर्स सप्लाई कर रहा हूं वो वेट के अपोजिट है, यानी कि जो बच्चा है उसको मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, उस केस के साथ कंपेयर करो, तो इस केस में नेट फोर्स डिक्रीज होगी। तो एफ साइन थीटा जो है, दूसरी फोर्स जो है, दैट इज एफ साइन थीटा एक्ट अपोजिट टू द वेट, एक्ट अपोजिट टू वेट। तो अगर ये वेट के अपोजिट काम कर रही है तो नेट वेट ऑफ बॉडी, तो नेट वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ है और एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एम जी माइनस में एफ साइन थीटा, तो यहां पर नेट वेट जो है वो रिड्यूस हो गया, जो बॉडी का वेट है वो रिड्यूस हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइट बॉडी है तो उसको हम इजीली अपनी तरफ पुल कर लेंगे, तो नेट वेट जो है रिड्यूस्ड हो गया। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं, इन केस ऑफ पुश, इन केस ऑफ पुश, तो पुश के केस में क्या हो रहा है कि अब लॉन रोलर को मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूं, यानी कि घास काटने के लिए मैं उस मशीन को आगे की तरफ धक्का दे रहा हूं, तो वो ज्यादा टफ होगा। व्हाई, लेट अस सी, ये अगेन लॉन रोलर हमारे पास आ गया, हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर ली जो लॉन रोलर के सेंटर से क्रॉस कर रही है, और इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और ओ से ही एक वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस सपोज कर लेते हैं। अब लॉन रोलर को हम आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो मान लो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है। अब देखो ध्यान से, एफ की जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, वो आगे की तरफ लग रही है फोर्स। तो अब यहां पर रेजोल्यूशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। देखो थीटा एंगल, अब यहां पर तो हमें पता है कि जहां पर एरो हेड होता है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कि जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वहां से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स एंड वाई कंपोनेंट। पर यहां पर तो सारा केस उल्टा है, अब एरो हेड तो सेंटर पर है, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स वेक्टर है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठा के थर्ड क्वाड्रेंट में ले आएंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे कि जितना मान लो ओ इस वेक्टर की लेंथ है उतनी ही यहां पर मैं इस वेक्टर की भी लेंथ कंसीडर कर लेता हूं, से दिस इज द एफ वेक्टर, दिस इज एन एंगल थीटा, तो हमारे पास ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहां पर देखो, अब हमारे पास बात बन गई कि हम यहां पर फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो अब यहां पर सॉरी, दिस विल बी द थीटा। अब यहां पर रेजोल्यूशन हम इजिली कर सकते हैं, एफ इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ हम कंपोनेंट ले लेंगे एफ कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ साइन थीटा। तो ये तो हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर। अब दूसरा जो है हमारे पास, जो फोर्स लग रही है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, यहां पर भी वही बात हो रही है कि एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, लॉन रोलर को आगे की तरफ पुश कर रहा है, पुश द लॉन रोलर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और एफ साइन थीटा और एम जी इन दोनों की डायरेक्शन अब सेम है, तो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, या नेट वेट लिख दो यहां पर, नेट फोर्स की जगह वेट भी एक तरह की फोर्स होती है, तो नेट वेट जो है एफ साइन थीटा प्लस एम जी हो गया। यानी कि जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कोई बच्चा अगर वेइंग मशीन पर खड़ा है तो हम उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो वेट का सपोर्ट कर रहा है, और ये ऐड हो जाएंगी दो फोर्सेस, तो इस केस में वेट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहां से हमें पता है कि जिसका वेट ज्यादा होगा उसको खींचने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसका वेट कम होगा उसके लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट करेंगे।